अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हम क्रैमर रूल को सीखने लगे हैं कि जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है उनको क्रैमर रूल से हम कैसे जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रैमर रूल्स के रिलेटेड। ठीक है, कौन सा जी? क्रैमर रूल आज हमने डिस्कस करना है कि ये क्या चीज़ होती है, इसमें हम कैसे जो है वो इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं लीनियर इक्वेशंस को। तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम इसको डिस्कस किया था पिछले लेक्चर्स के अंदर जो है कि हमने लर्न की टू लीनियर इक्वेशंस। लेट्स सपोज हमारे पास एक है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू एम एंड सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू एन जो है। इस तरह से हमारे पास ये टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको हम क्रैमर रूल से जो है चेक करते हैं कैसे। फर्स्टली आपको क्या करना पड़ेगा, हम रिजल्ट बनाने के लिए इसको इन्वर्जन मेथड से पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे कि आप इसको मैं थोड़ा सा जल्दी करता हूँ क्योंकि हमने लास्ट टाइम इसको पिछले वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया हुआ है। इसको हम ऐसे लिखेंगे ए बी सी डी, मतलब आप फर्स्टली मैट्रिक्स राइट करेंगे और देन आप जो है वो वेरिएबल का मैट्रिक्स राइट करेंगे। ये कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है, ये वेरिएबल का मैट्रिक्स है और ये कांस्टेंट्स नंबर्स का मैट्रिक्स है। ये आपने राइट कर लिया। देन स्टूडेंट इसको आप ए राइट करेंगे, इसको एक्स और ये आपके पास बन जाएगा बी, और ए जो है उस साइड पर शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा ए इनवर्स बी। तो इसी तरह से आप ए इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। देन ए इज इक्वल टू ए हमारे पास स्टूडेंट्स है ए बी सी डी जो है इस तरह से। ओके, अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करें तो एडजॉइंट हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, आप इन दोनों को चेंज कर देंगे, ये आ जाएगा डी ए और ये बन जाएगा माइनस सी एंड माइनस बी जो है। अब इसी का अगर आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें, ए का डिटर्मिनेंट, ए हमारे पास है उसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं। ओके, अब हमने इनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे जब डी के साथ, तो ये बन जाएगा ए डी माइनस सी मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू बी सी, और ये आपका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, आपका सिंगुलर नहीं होना चाहिए, ये मैट्रिक्स है ना, ए जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर नहीं होना चाहिए। अभी हमें वैल्यूज तो नहीं ना पता, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अगर ये जीरो होगा तो इधर ही स्टॉप कर देंगे इस मेथड को, मजीद इसको सॉल्व इस मेथड से नहीं कर सकते हैं। ओके, ए इनवर्स जो है वो इक्वल होता है ए इनवर्स वन ओवर ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए जो है वन ओवर ए डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास है ए डी माइनस बी सी, या हम ए डिटर्मिनेंट को ए डिटर्मिनेंट ही रहने देते हैं। ठीक है, चलें वैसे अभी ऐसे मैं लास्ट में जाकर इसको मॉडिफाई कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आएगा एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए का आंसर है डी माइनस बी माइनस सी ए, डी माइनस बी माइनस सी एंड ए जो है। ठीक है, ये हमारे पास ए इनवर्स है। उसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन नंबर वन है उसमें वैल्यूज पुट करें, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी एंड एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू ये पुट करेंगे या रहेगा वन ओवर ए डी माइनस बी सी। उसके बाद मैट्रिक्स के एलिमेंट्स राइट करेंगे, ये जो हमारे पास है डी माइनस बी माइनस सी ए। ठीक है, और उसके बाद बी मैट्रिक्स जो है इसके एलिमेंट्स राइट करेंगे, मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स हैं एम एन, तो यहाँ पर राइट करेंगे एम एंड एन जो है। अब स्टूडेंट्स आप जस्ट इनको मल्टीप्लाई करेंगे वन ओवर ए डी माइनस बी सी, और डी को जब एम से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा डी एम, बी को जब एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस बी एम, ये माइनस है ना इसलिए ये माइनस बन जाएगा। ओके, माइनस सी को एम से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सी एम, और ए को एन से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा प्लस ए एन जो है। ठीक है, अब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्स जो है वो इक्वल आ जाएगा, ये जो मैट्रिक्स एक्स है, मैट्रिक्स एक्स के एलिमेंट है स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, वो आपके पास बन जाएंगे डी एम डी एम माइनस बी एन, और इसको ज़रा रीअरेंज करके लिखें तो ये बन जाएगा ए एन, सॉरी डिवाइड भी करना था, ये आपने ए डी माइनस बी सी डिवाइड में भी लिखना था, ए डी माइनस बी सी, और आगे आप लिखेंगे ए एन माइनस सी एम, ए एन माइनस सी एम डिवाइडेड बाय ए डी माइनस बी सी, इस तरह से आपने राइट कर लिया। अब जब इनको कंपैरिजन करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू डी एम माइनस बी एन डिवाइडेड बाय ए डी माइनस बी सी, तो y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ए एन माइनस सी एम डिवाइडेड बाय ए डी माइनस बी सी।
ये तो हमने इन्वर्टेड मेथड का अभी तक साल किया है, लेकिन इसमें और इसमें फ़र्क क्या होगा? ये वैसे उसकी नस्बत ईजी है। क्या चीज़ है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू, इस सारे को लिख सकते हैं हम ए एक्स। मैं बताने लगा ये एक्स क्या चीज़ होती है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय, ये आपके पास ए का डिटर्मिनेंट है, ये देख सकते हैं आप। आपने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया था, वो था ए डी माइनस बी सी, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं ए डिटर्मिनेंट। और ये आपके पास वाई, और इसको आप लिखेंगे ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। अब स्टूडेंट्स आपके माइंड में बड़ा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो है वो राइज हो गया है, अब ये सर आपने ए एक्स और ए वाई कहाँ से लिख लिए, ठीक है, ये कैसे बन गया जी ये चीज़? इसकी तो चलो समझ आ गई हमें कि ये जो है ए जो ए डिटर्मिनेंट है ये है। अब ए एक्स और ए वाई क्या है? ए एक्स स्टूडेंट्स आपके पास ये मैट्रिक्स है, ए एक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए एक्स जो है ये इस तरह से आप लिखेंगे। आपने ए एक्स जब मैट्रिक्स लिखना होगा आपने एक्स वाले कोएफिशिएंट राइट नहीं करने, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ए एक्स मैट्रिक्स जब लिखना होगा तो आपने एक्स वाले कोएफिशिएंट नहीं लिखने, तो फिर इसकी जगह पे लिखने कौन से हैं जो ये राइट साइड पे होंगे? मतलब ये मैट्रिक्स बनेगा एम एन बी डी, क्या बनेगा? एम एन फर्स्ट पे, जिसको आप हाइड कर रहे हैं उसको फर्स्ट पे, और जिसको सेकेंड पे आप लिखेंगे एम एन, और इधर लिखेंगे बी डी। ये आपके पास मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट लिए आप फाइंड आउट करके देखें, ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे क्या आएगा, एम डी माइनस बी एन या एन बी, देख सकते हैं ये वाला एम डी माइनस बी एन। तो ये देखें ये असल में ए एक्स, मैंने इसलिए इसकी जगह पे क्या लिखा ए एक्स। उसके बाद जब आप स्टूडेंट्स लिखेंगे ए वाई मैट्रिक्स, वो कैसे लिखना होगा? ए वाई मैट्रिक्स जो है उसको आप इस तरह से लिखेंगे, आप वाई वाले कोएफिशिएंट्स को हाइड कर लेंगे, इनकी जगह पे ये वाले कोएफिशिएंट आ जाएंगे, और ये जो फर्स्ट पे हैं ये फर्स्ट पे ही लिखे जाएंगे, ये सेकंड वालों को हाइड करें। सिंपल इज दैट, जब ए एक्स को आपने लिखना है तो एक्स वाले कोएफिशिएंट हाइड कर लेने हैं, ए वाई को लिखना है तो वाई वाले कोएफिशिएंट हाइड कर लेने हैं, जिसको हाइड करना है उसकी जगह पे ये आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास बनेगा ए सी एम एन जो है ये ए वाई के लिए बनेगा, ए सी एम एंड एन जो है ये आपके पास बन गया। अब जब आप इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो ये मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, तो ए को जब एन से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा ए एन, और सी को जब एम से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा सी एन जो है। तो जो कि मैंने यही राइट किया था ए एन माइनस सी एम, उसकी जगह पे मैंने ए वाई राइट कर लिया। मतलब सिंपल क्रैमर रूल आपका और मजीद सिंपल हो गया। क्या सिंपल हो गया कि आप फर्स्टली क्या किया करेंगे, ए एक्स और ए वाई फाइंड आउट किया करेंगे, ए एक्स और ए वाई फाइंड आउट करके तो आप इन ए एक्स ए वाई और ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, तो आपका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके ही एक्स और वाई जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। मेन स्टूडेंट्स हमारा काम क्या है, ये फार्मूले जो हैं इनको आपने माइंड में रखना होगा, x is equal to a x determinant divided by a determinant, और y is equal to a y determinant divided by a determinant है। इसके रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल करते हैं कि कैसे जो हम इस क्रैमर रूल को अप्लाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम इसके रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं, जो क्वेश्चन में चले एक हम क्वेश्चन लेते हैं जो कि एग्जांपल नंबर टू है पीटीबी की बुक पे, एग्जांपल नंबर टू में हमारे पास स्टूडेंट्स इक्वेशंस हैं 4x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 8, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास गिवन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 4। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके कोई नंबर जो हैं वो लेफ्ट साइड पे भी पहले हैं, ठीक है, इधर को कांस्टेंट नंबर हैं, तो उनको फर्स्टली आपने राइट साइड पे जाके प्लस माइनस करवा लेना है। फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है कि 3x प्लस 4y और प्लस 1 इज इक्वल टू 10 लिखा हो, ऐसे इस पे मेथड अप्लाई करना नहीं शुरू कर देना। क्या करेंगे, इसको ऐसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, 4y इज इक्वल टू 10, ये कांस्टेंट राइट साइड पे मूव करवाएंगे ये माइनस 1 हो जाएगा, एंड 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, देन आप जो है वो मेथड को अप्लाई करेंगे। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, ठीक है, ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा कि ऐसा आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है।
अब इसको हमने करना है इन क्रैमर रूल से। तो फर्स्टली आपने क्या करना है, मैट्रिक्स, तीन मैट्रिक्स बनाने हैं। कितने? तीन मैट्रिक्स। कौन कौन सा? एक ए एक्स मैट्रिक्स बनाना है, एक ए वाई मैट्रिक्स बनाना है, और एक आपने ए मैट्रिक्स बनाना है। फर्स्टली आपने मैट्रिक्स ए बनाना है। वो कैसे बनाएंगे? मैट्रिक्स ए को बनाने के लिए क्या करेंगे आप, जस्ट जैसे कोएफिशिएंट लिखते थे वैसे कोएफिशिएंट लिखेंगे, 4 और 3 ऐसे कॉलम वाइज, और -2 और 1। जस्ट आपने एक्स और वाई के कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए में राइट कर लिए। अब आपने स्टूडेंट्स राइट करना है ए एक्स मैट्रिक्स। ए एक्स जो मैट्रिक्स है इसको जब आपने राइट करना है, वो कैसे राइट करेंगे, एक्स वाले जो कोएफिशिएंट है उनको हाइड कर लेना है। ए एक्स लिखना है तो एक्स वाले ही छुपा लेने, ठीक है, उनको ही आपने नहीं लिखना। एक्स वाले आपने हाइड कर लिए, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 8 4। तो फर्स्ट वाले छुपाए हैं लिहाजा आपके पास आ जाएगा 8 -4 फर्स्ट पे, और सेकंड वाले आपके पास है -2 और इसके साथ 1 आ रहा है, -2 और 1। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके बाद आप ए वाई जो है वो फाइंड आउट करेंगे। उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, वाई वाले कोएफिशिएंट जो हैं वो हाइड कर लेंगे। जिनको आप हाइड कर रहे हो उनकी जगह पे ये आ जाएंगे, ये 8 और 4। तो फर्स्ट वालों को तो नहीं हाइड किया, फर्स्ट वाले एज इट इज़ लिखे जाएंगे, ये आ जाएगा 4 3 और आपके पास ये बनेगा 8 -4, ये 8 -4। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इसको राइट कर लिया। तो मतलब इसमें मेन काम ये है, आपने मैट्रिक्स राइट करने हैं और बाकी देखिए सब के आपने क्या करने हैं, डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्टली हम क्या फाइंड आउट करते हैं, ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो सिंपल सा है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना हमने सीखा है कि क्या करते हैं, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं 4 × 1, इनके बिटवीन माइनस का साइन, और 3 × -2। 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो 4 आंसर आ जाएगा, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास प्लस, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो हमारे पास आंसर आ गया, ए डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया 10। मतलब कि 0 नहीं आया, ये कौन सा है, नॉन सिंगुलर। ये एक बात इस मेथड के लिए भी आपने याद रखनी है कि अगर आपका मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर होगा, ये मेथड भी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये इधर डिनोमिनेटर में आपका ए डिटर्मिनेंट आना है, लिहाजा वो अनडिफाइंड कर देगा। लिहाजा आपने याद रखना है कि जब 0 आएगा तो सोल्यूशन पॉसिबल इस मेथड से नहीं होगा। तो याद रखिए सिर्फ ए को ही चेक करना है कि इसका 0 नहीं आना चाहिए, बाकी इसी का भी 0 आ सकता है, इसका भी 0 आ सकता है, बस इसका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अब हमने स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है ए एक्स का डिटर्मिनेंट, हम इधर ही फाइंड आउट कर लेते हैं। ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 8 -2 -4 और 1। अब स्टूडेंट्स 8 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 1, इनके बिटवीन माइनस का साइन, -4 × -2। 8 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आंसर आ जाएगा, और इस माइनस, ये माइनस एज इट इज, ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा +8 है, ठीक है, ये माइनस कोई इफेक्ट इन पे, ये माइनस इन इस माइनस पे कोई इफेक्ट नहीं करेंगे। तो 8 और -8 आपके पास कितना आंसर आ गया, 0। अब ये इसका 0 आ गया तो कोई इशू नहीं है, आप ये ना सोचिएगा कि इधर जो है वो हम स्टॉप कर दें, इसका 0 नहीं आना चाहिए मैट्रिक्स ए का, क्योंकि डिनोमिनेटर में मैट्रिक्स ए आ रहा है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे ए वाई, मैट्रिक्स ए वाई इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें। तो ए आपके पास इसकी एंट्रीज हैं 4 8 3 और -4 जो है, ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, ए y इज इक्वल टू 4 को आप -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × -4, इनके बिटवीन माइनस का साइन, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, 3 × 8। नेक्स्ट 4 जब 4 -4 से मल्टीप्लाई होगा -16, और -3 जब 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा 24, और जब आप इनको ऐड करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा -14। ऐड इसलिए करेंगे क्योंकि दोनों के साइन सेम है। अब उसके बाद स्टूडेंट्स आपने फार्मूलाज लिखने हैं, एक्स इज इक्वल टू एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। अब आपने डिटर्मिनेंट की वैल्यूज पुट कर लेनी है। हमारा असल में मोटिव क्या था, एक्स और वाई फाइंड आउट करना। तो एक्स हमारे पास ये आएगा ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, और वाई जो है वो हमारे पास ये होगा ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ये क्रैमर रूल में जो है x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो हमने फाइंड आउट किया है, वो हमारे पास आया 0। इसकी जगह पे स्टूडेंट पुट कर लेंगे 0 ओवर ए डिटर्मिनेंट का स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट किया है, आंसर ये है 10। इसकी जगह पे लिख लिया 10। तो x इज इक्वल टू 0/10 इज इक्वल टू 0 फाइंड आउट कर लिया आपने। उसके मतलब फर्स्ट वाली वैल्यू जो है x की जो आई है वो 0 आई है। उसके बाद आपने
y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपने a y का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, वो है -40। इधर आप पुट कर लेंगे -40 डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट जो है वो हमने फाइंड आउट किया, वो हमारे पास 10 है, लिहाजा इसकी जगह पे आप 10 पुट कर लेंगे, और जब इनको आप कट करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू -2। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम जो है क्रैमर रूल को यूज़ करके तो किसी भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ये याद रखें, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और किन को, जिनका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन सिंगुलर हो। तो आपको अगर स्टूडेंट्स इसमें किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है या कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको उसके बारे में मज़ीद गाइड करूँगा, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।